हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके फार्म आर्ट्स। मैं डीआरएक्स गोविंद। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना ने जब से एंट्री मारी है, इसके नए नए वेरिएंट आ जा रहे हैं। जैसे ओमिक्रॉन आया और अब फिर से एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का आ चुका है, ओमिक्रॉन BF7। हमें लगा कि इस पर भी वीडियो बनाई जानी चाहिए और लोगों को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, क्योंकि एक वायरल डिसीज है और इसके जो स्प्रेड होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। लोगों को पता होना चाहिए कि इसके सिम्टम्स जो हैं क्या हैं और इसके प्रिवेंशन में क्या करना है, और इन केस किसी को हो जाता है तो वहाँ पर हम लोगों को क्या करना है। इसके सिम्टम्स में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे हमारे नाक में इन्फेक्शन हो जाता है और हमारे गले में भी इन्फेक्शन हो सकता है, और जो है हमारे जो एयरवेज होते हैं उनमें भी जो है इन्फेक्शन हो जाता है, और फीवर भी आता है इसमें, और सोर थ्रोट रहता है, और रनिंग नोज भी हो सकता है, और वोमिटिंग भी हो सकती है, और इसमें जो है डायरिया भी हो सकती है। जिस में ये सारे लक्षण हैं वो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और डायग्नोस होने पर अपना जो है ट्रीटमेंट सही तरीके से करवाएं। इसके जो प्रिवेंशन में है हम क्या कर सकते हैं, तो जिन भाई लोगों ने वैक्सीन जो है नहीं लगवाई है अभी तक, वो तो सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं, और जिन लोगों ने पहला डोज लगवा लिया है और वो अपना दूसरा डोज और बूस्टर डोज भी इसका लें, और भीड़ भाड़ में निकलें तो वहाँ पर मास्क ज़रूर लगाएं। जैसे कहीं पार्टी में जा रहे हैं या फिर बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप मास्क ज़रूर लगाएं, और साथ में अपना सैनिटाइज़र कैरी करें। किसी चीज़ को छुएं तो वहाँ पे अपने हाथ जो है सैनिटाइज करें, और अपने फेस को बार बार अपने हाथों से ना टच करें, अपनी आँख को ना बार बार छुएं, अपनी नाक को बार बार ना टच करें। और जाहिर सी बात है, ठंडी चली रही है तो रखा हुआ जो पानी ठंडा हो जाता है, तो या तो नॉर्मल तुरंत निकाल के पानी पिएं, या फिर हल्का कोसा या गर्म करके पानी पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन केस किसी में ये जो सिम्टम्स हैं हमने बताए, ये सारे होते हैं और डायग्नोस होने पर पॉजिटिव पाया जाता है, तो सबसे पहले उसको आइसोलेट होना है और अपने डॉक्टर के सजेशन से मेडिसिन लेनी है, या फिर एडमिट भी करवाना है। और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो है, वैक्सीनेटेड है तो अच्छी बात है। और कोई टॉपिक या मेडिसिन रिलेटेड आपको लगे कि इस पर वीडियो बनाई जानी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और इस जानकारी को साझा करिए अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, ताकि ये जानकारी सब लोगों तक पहुंचे। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।